guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me, Ayushi. Together we Priyashi. तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच 2022 को हम दोनों के लिए इतना ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ के कारण ही 2022 में हमने अपने लाइफ के इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. इस चैनल पर तो हमने 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर ही लिए, व्लॉग चैनल पर तो हमने 200 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, एंड देखो इस चैनल पर अभी तो वी आर सो क्लोज टू 150 के सब्सक्राइबर्स. अगर आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे ना और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही लुटाते रहोगे ना, तो यू नेवर नो 2023 के एंड तक मे बी हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर ले. आई नो अभी हम औकात से बड़े सपने देख रहे हैं, पर ठीक है, सपने हमेशा औकात से बड़े ही देखने चाहिए. खैर जोक्स अपार्ट, जैसा कि नया साल आ चुका है और अगर इस नए साल की शुरुआत एक धमाकेदार धुकुर वीडियो के साथ ना करे तो क्या खा किसकी शुरुआत करे. तो दीदी, साल नया है तो क्यों ना कुछ अधूरी कहानी को हम लोग पूरा करते हैं. जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एक कहानी के बारे में जिसका जिक्र हमने हमारी वीडियो में करीब 1.5 साल पहले किया था, रांची के एक हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, जिसके बारे में अभी भी हम और दीदी सोचते हैं ना तो हमारी रूह कांप जाती है. और आप लोगों को हिंट्स देने के लिए ना, हमने ना उसके बारे में अभी रिसेंट में एक शॉर्ट्स भी बनाया था. और अगर फिर भी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वो कहानी दिल दहला देगी आप लोगों की. और बहुत लोगों को ये भी लगता है ना कि हम दोनों ना फेक स्टोरीज आप लोगों को बताते हैं. उस वीडियो में जाके उसके कमेंट्स को एक बार पढ़ना, और कुछ कमेंट्स को तो हम लोग पिन भी कर देंगे, तब आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि उस हॉस्टल में जितनी लड़कियां रहती थी ना, वो लोग भी उन सारी घटनाओं को कैसे विटनेस की है और खुद हमारी कमेंट बॉक्स में आके सारी चीजों को बताया है. तो दीदी, कहानी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. अरे अरे, आप लोग अभी तक अपनी सीट की पेटी नहीं बांधे, चलो जल्दी से बांधो. साथ ही में आपको क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ कर लेनी है और साथ ही में अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना है, क्योंकि धुकुर वाली आंटी भी नए साल में दर्शन देने के लिए कभी भी आ सकती है. तो जी, हम लोग जो भी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं वो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स के थ्रू पता चलता है. तो जब एक ही बात 4 लोगों के मुंह तक जाएगी ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें 4 नई चीजें तो ऐड हो ही जाए. सिमिलरली आज इस हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले हमारे साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर अनिशा ने शेयर किया था. जैसे अनिशा ने हमारे साथ वो कहानी शेयर की, हमने वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया और उसके कुछ दिनों के बाद ही वो वीडियो वायरल चली गई. और उसके बाद उसी वीडियो कमेंट सेक्शन बहुत सारी लड़कियों के कमेंट से भर गया कि अरे दीदी, हम लोग भी सेम हॉस्टल से हैं, एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी तो हम लोग भी वहीं पर मौजूद थे. और इतना ही नहीं, उसी कमेंट्स में काफी लड़कियों ने इतने सारे नए खुलासे किए ना जो कि अनिशा ने हमारे साथ नहीं शेयर किया था, या मे भी अनिशा को खुद भी नहीं पता होगा. इतना ही नहीं, जो लड़की विक्टिम थी जिसके साथ ये सारी घटनाएं हुई थी, उसने भी कमेंट किया. उनके भाई के साथ तो हमारी बात भी हुई और उसके बाद उनके भाई से ना हमने सारी डिटेल निकालने की कोशिश की, एंड उनके भाई ने काफी अच्छे से कोऑपरेट भी किया. और उसके बाद तो ऐसी चीजें हमें पता चली ना, चीजें उतनी ही सिंपल नहीं थी जितनी की पहली वीडियो में लग रही थी. 1000 times ज्यादा डरावनी चीजें असल में थी, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. और जो जो गलती हमने पहली वीडियो में की थी ना, आज सब सुधारने वाले हैं. और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि मे बी व्यूज के लिए हम लोग कहानी मेडअप कर रहे हैं, तो देखो उनके भाई के साथ जो हमारी चैट हुई थी उसका स्क्रीन शॉट लेकर के हम लोग स्क्रीन पर अटैच कर दे रहे हैं और डेट भी दिखेगा आपको. इंस्टाग्राम पर बात हुई थी, ये बात तकरीबन बहुत पहले की, आई थिंक 1.5 साल पुरानी होगी. तो देखो, कहानी को एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ये कहानी रांची के एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में है जो कि लालपुर में है. प्राइवेसी इश्यू के कारण हम लोग हॉस्टल का नाम रिवील नहीं करने वाले हैं. तो उसी हॉस्टल में एक 14-15 साल की बच्ची रहा करती थी. अचानक से क्या होता है ना कि वो जो बच्ची थी आईने में देख देख करके खूब इतराया करती थी और बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी. जब भी कोई इंसान उसे रोकने के लिए जाता था ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, गाली गलौज करने लगती थी. और एक बार तो ऐसा हुआ ना कि वो लड़की आपे से बाहर हो गई, उसके
अंदर से अलग अलग सी आवाजें आने लगी और सबको लगा कि मे बी उसे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो हॉस्टल के ओनर उठा करके उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में इंजेक्शन पे इंजेक्शन उसे दिए जा रहे थे बेहोशी के, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता है। उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, जब तक उसके पेरेंट्स रांची के लिए गाड़ी पकड़ते हैं तब तक हॉस्टल के ओनर ही मौलाना को बुलाते हैं। मौलाना बिठा करके सारी प्रक्रियाएं करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर एक जिन था और उसके बाद वहां से उस लड़की के पेरेंट्स उसको ले जाते हैं। आगे क्या होता है हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया था, लेकिन इधर हॉस्टल में ये सारी घटनाएं रुकती नहीं है। उसी हॉस्टल की 2-3-4 लड़कियों के साथ और भी ज्यादा वियर्ड बिहेव होने लगता है। सारी लड़कियों को ऐसा लगने लगा था ना कि जो जिन है एक एक करके सारी लड़कियों पर हमला कर रहा है, और 2 दिन के अंदर अंदर वो पूरा हॉस्टल खाली हो गया था, और ये बात सच है। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई अभी से शुरू होगी। अब आखिर सारी घटना स्टार्ट कहां से होती है, चलो आप लोगों को बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस लड़की के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी, चलो उसका नाम हम लोग सोनी रख देते हैं। और सोनी ने अभी जस्ट ही अपने 10th बोर्ड दिया था और आगे का उसका ये प्लान था ना कि जो भी फर्दर स्टडी है वो रांची में रहेगी एक हॉस्टल में और कंटिन्यू करेगी। और सोनी का जो बड़ा भाई था वो पहले से ही रांची में एक हॉस्टल में रहता था और पढ़ाई किया करता था। सोनी का एक कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है, लेकिन अभी तक ना उसे हॉस्टल नहीं मिला था। सोनी का भाई सोनी को हॉस्टल दिलाने के लिए काफी ज्यादा मुशक्कत कर रहा था, क्योंकि एडमिशन के टाइम क्या हो जाता है ना, आपको तुरंत से हॉस्टल नहीं मिलता। लेकिन लालपुर में एक हॉस्टल उसके भाई को दिखता है जिसमें वो सोनी को लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनी का भाई जैसे ही सोनी को उस हॉस्टल के अंदर लेके जाता है ना एडमिशन कराने के लिए, वहां का वाइब उसको बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। उसे अंदर घुसते ही बहुत अजीब महसूस हो रहा था, एक फीलिंग होती है ना जो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी लकीली वहां पर देखो क्या होता है, सोनी के ना 3-4 दोस्त उसे मिल जाते हैं और वो अपने बड़े भाई को जिद करने लगती है कि भैया मेरे को ना यही एडमिशन लेना है और मेरे को अकेला भी फील नहीं होगा। तब यहाँ पर उसका भाई ये सोचता है कि अच्छी बात है ना, लड़की को अकेला फील नहीं होगा, नया नया हॉस्टल में वो रह रही है, और ऐसा मान के वो लालपुर के उसी हॉस्टल में सोनी की एडमिशन करा देता है। अब देखो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सोनी वहां पर एडजस्ट हो भी गई थी। इसी बीच में दशहरे की छुट्टी आती है और सोनी अपने घर आती है छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन जैसे ही सोनी अपने घर आती है ना, उसकी जो भी हरकतें थी वो काफी बदली लग रही थी। उसके भाई ने ये नोटिस किया ना कि उसका जो एक्सेंट है ना बोलने का, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, और उसके बात करने में जो उर्दू एक्सेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसको सुनने के बाद उसके भाई को थोड़ा अजीब लगा कि वाह रांची रह के ये क्या नया सीख ली। लेकिन यहाँ पर एक्सेंट ही नहीं, जो भी उसका बिहेवियर था ना वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो सोनी की उम्र 15 या 16 साल थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो 25-26 साल की कोई लड़की होगी। इतना ही नहीं रानी, उसका जो आउटर अपीयरेंस था ना वो भी एक 25-26 साल की लड़की के जैसा ही लगने लगा था। उसके घर वालों को क्या लगा ना कि मे बी उसको रांची का पानी सूट कर गया है और इसीलिए उसकी बेटी का हेल्थ सही हो गया है। अब यहाँ तक इन सारी हरकतों के कारण किसी को तो ये नहीं लगेगा कि पक्का दाल में कुछ काला है। लेकिन अब देखो सोनी क्या करती है, वो ना हिजाब पहनना स्टार्ट कर देती है। और उसके भाई ने ये भी नोटिस किया ना कि अगर उसके घर में कहीं दूर से भी ना अजान की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती थी ना, तो वो तुरंत से घर में अंदर भाग जाती थी और अपना सर ढक लेती थी। इन सारी चीजों के कारण ना अब सोनी के भाई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन फिर भी यार गॉड तो एक होते हैं ना, और कोई भी अगर कोई भी धर्म मान रहा है तो इसमें किसी को क्या ही दिक्कतें आएंगी। इतना ही नहीं, अब सोनी मोस्टली ब्लैक कपड़े पहना करती थी, ब्लैक जींस, ब्लैक टॉप, ब्लैक सूट, मतलब एवरीथिंग ब्लैक। खैर कोई इंसान ब्लैक पहने या ब्लू, उसके बेसिस पे आप क्या ही जज करोगे कि उस इंसान के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे ही सोनी की छुट्टियां बीत जाती है और वो वापस अपने हॉस्टल चली जाती है। और ऐसे करते करते एक आध महीना भी बीत जाता है और हल्की हल्की ठंड होनी भी स्टार्ट हो जाती है। पर इसी बीच क्या होता है, आधी रात को करीब 2 बजे सोनी के भैया के पास ना एक फोन आता है। और जैसे ही सोनी के भैया फोन रिसीव करते हैं, उधर से सोनी की दोस्त रहती है और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन की आवाज में सोनी के भैया को ये कहती है कि भैया
सोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप एक काम करो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सोनी के भैया भी ये चीज सुन के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो उसके दोस्त से ये भी पूछते हैं कि सोनी को क्या हुआ। लेकिन उधर से ना सोनी की जो फ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी और वो कुछ नहीं बताती और वो उसके भैया को ये कहती कि अभी आपको हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आप जहां पर भी हो ना सारे काम को छोड़ो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। इसके बाद सोनी का भाई सोनी के हॉस्टल के ओनर को फोन लगाते हैं। दो तीन बार तो वो लोग जो मियां बीवी थे फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। लगातार सोनी का भाई उन्हें फोन कर रहा था, तब एक बार उसके हस्बैंड ने फोन उठाया और सोनी का भाई पूछता है कि मेरी बहन को क्या हुआ। तब वो हॉस्टल के ओनर बोलते हैं कि देखो बेटा, हमें तो क्या लगता है ना कि तुम्हारी बहन के ऊपर कुछ हवा लग गया है, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, एक काम करो जहां भी हो जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाओ। सोनी का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मेरी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं पता है, यहाँ मेरी बहन की दोस्त फोन करके मुझे बता रही है, आपको बताना चाहिए था। अगर मेरी बहन आपके हॉस्टल में रह रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर ओनर बोलते हैं कि देखो बेटा, सब कुछ इतना ज्यादा हड़बड़ी में हुआ है ना कि बस हम लोग उठा करके तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल ले आए हैं, हमें समय ही नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए, तुम जहां भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सोनी का भाई अभी रास्ते में ही था, जल्दी से अपनी गाड़ी की स्पीड वो बढ़ाता है और तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचता है। और जैसे ही उसका भाई हॉस्पिटल पहुंचता है ना, सोनी की हालत देख करके उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। सोनी की जो एक्टिविटीज थी ना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, लग ही नहीं रहा था कि बेड पर उसकी बहन लेटी हुई है। उसकी बहन कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, बेहोशी की एक इंजेक्शन दे दी गई लेकिन उसकी बहन पर असर ही नहीं हुआ, दूसरी इंजेक्शन दी गई फिर भी असर नहीं हुआ, तीसरी इंजेक्शन के बाद सोनी बेहोश हुई है। उसके बाद सभी लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर अचानक से सोनी को क्या हो गया। सोनी की कुछ दोस्त थी जो कि उसके भाई को अब पूरी घटना बताती है, जो कि आप लोग भी ध्यान से सुनना। कुछ दिनों से ना सोनी हॉस्टल में भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से बिहेव किया करती थी, वो हमेशा सिर पर दुपट्टा रखा करती थी। साथ ही साथ एक बार हॉस्टल में लड़कियों के बीच में कुछ इस्लामिक फैक्ट के बारे में बात हो रही थी, वो लड़की कुछ अलग बोल रही थी, सोनी कुछ अलग बोल रही थी, और जब उस लड़की ने कहा कि अरे तुम तो हिंदू हो, तुम्हें हमारे धर्म के बारे में क्या पता, तो सोनी यहाँ पर गुस्सा हो गई और वो उससे लड़ने लगी और ये बोली कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। और बात यहाँ तक बढ़ गई थी ना कि लग रहा था कि अब दोनों के बीच में मारपीट की भी नौबत आ जाएगी। खैर, यहाँ तक भी लोगों ने ये नहीं समझा कि आखिर सोनी को इस्लामिक फैक्ट्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कहाँ आई। खैर, इसके बाद से भी सोनी की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी और सोनी ने कई बार अपनी हॉस्टल में ही अपने दोस्तों से ये शिकायत की थी कि जब भी वो बेड से नीचे उतरती थी ना आधी रात में बाथरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए, उसे हमेशा फील होता था कि किसी का हाथ नीचे है और उसने अपने पैर को किसी के हाथ के ऊपर रख दिया। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। फिर भी सपने ये सोचा कि मे भी सोनी सपने में होगी, उसका वहम होगा। किसी ने भी अभी ये नहीं सोचा था ना कि आगे सोनी के ऊपर कितना बड़ा टेंशन का पहाड़ टूटने वाला है। इतना ही नहीं, अब सोनी के पेट में हमेशा दर्द रहने लगा था। सोनी घंटों बाथरूम में बिताया करती थी और साथ ही साथ उसके हॉस्टल में एक कमरा था जिसे शीशा घर कहा जाता था या शीशा रूम कहा जाता था। उस कमरे में एक बहुत ही बड़ा कांच था, आईना था, और सोनी या तो बाथरूम में रहा करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम या उसी शीशे वाले रूम में बैठ करके खुद को निहारा करती थी। एक रात की बात है, सोनी पीरियड्स में थी और उसके स्टमक में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन है, अगर तेरे पास कोई टैबलेट है तो तू मुझे दे दे। उसकी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, मेरे पास टैबलेट तो नहीं है, एक काम कर तू फ्रेश होकर के आ, उसके बाद मैं तेरे पेट पर हॉट वाटर बैग रख दूंगी और फिर तेरे को दर्द से आराम मिलेगा। सोनी वॉशरूम तो जाती है लेकिन काफी देर हो जाती है, वॉशरूम से लौट करके नहीं आती है। उसकी दोस्त पहले तो ज्यादा टेंशन नहीं लेती है क्योंकि उसे पता था सोनी वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। लेकिन जैसे ही अब आधे घंटे 45 मिनट बीतने लगे, भाई इतना देर वॉशरूम में कौन रहता है, उसकी दोस्त जाती है सोनी को चेक करने तो वो देखती है कि सोनी तो वॉशरूम में है ही नहीं। उसके बाद वो दूसरे कमरों में जाकर के चेक करने लगती है, तभी तक वो क्या देखती है कि सोनी शीशे वाले रूम में बैठी हुई है और आईने के सामने बैठ करके खुद को निहारे जा रही है, खुद के बाल बना रही है और अजीब सा स्माइल कर रही है।
जैसे ही उसकी दोस्त ने सोनी को टोका और ये कहा कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है, चल कमरे में, मैं तेरे पेट की सेकाई कर देती हूँ, सोनी उठती है और अपनी दोस्त को जोर जोर से गालियां देने लगती है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। उसकी दोस्त वहां से भागती है और इसी चिल्लम चिल्ली के बीच में बाकी कमरों से भी लड़कियां निकल करके आ जाती है और फिर ये घटना सबको पता चलता है। सोनी को पकड़ा जाता है, पकड़ करके उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल की तो एक नर्स ने उसके भाई को ये भी सलाह दी कि देखो बेटा, तुम्हारी बहन को ना कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मानसिक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ अलग है। तुम एक काम करो, अगर तुम लोगों के पास घर में 7 गांठ वाला हल्दी का टुकड़ा होगा ना, तो अपनी बहन को गले में पहना दो, इससे काफी राहत मिलेगी। सोनी के भाई को अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर करे भी तो क्या करे। वो अपने घर में फोन लगाता है, आधी रात में अपने पापा मम्मी को इन्फॉर्म करने में भी उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके मम्मी पापा घबरा ना जाए, लेकिन पेरेंट्स ऐसी बात छिपाए भी तो कैसे छिपाए। घर वालों को वो सारी बात बताता है, घर वाले टेंशन से गाड़ी लेकर के निकलते हैं। उधर से उसके मम्मी पापा, साथ ही साथ गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर अंकल भी आ रहे थे। तब तक इधर सोनी को उठा करके हॉस्टल ले जाया जाता है और वहां पर मौलवी को बुला करके सारी प्रक्रियाएं की जाती है। और इसी दौरान सोनी के भाई ने एक चीज नोटिस की थी, जब वो हॉस्टल के अंदर एंट्री कर रहा था ना, एंट्रेंस में ही एक पौधा था जिसमें काफी सारे फूल थे, लेकिन उस फूल में से एक भी खुशबू नहीं आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड थी। यार एक पौधा, बड़ा पौधा, उसमें उतने सारे फूल, एक भी खुशबू ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर उसने उस चीजों पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मौलवी की प्रक्रियाएं हुई। और जब तक मौलवी अपनी प्रक्रिया कर ही रहा था ना, उसने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, सारा कुछ पिछली वीडियो में है, वो आप लोग देख लेना। लेकिन तब तक सोनी के घर वाले वहां आ जाते हैं। अब आधी रात को सोनी के मम्मी पापा भी पहुंचते हैं और बिना वार्डन से कोई सवाल जवाब किए चुपचाप से अपनी बेटी को वहां से उठाते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं। बस वो लोग क्या चाहते थे कि इस हॉस्टल से हम अपनी बेटी को निकाले और अपने घर ले जाए। और इधर अगर आप लोगों को हॉस्टल का माहौल बताए ना, तो वो काफी ज्यादा डरावना हो चुका था, क्योंकि सारी लड़कियों के अंदर ना खौफ आ गया था और सारी लड़कियां झुंड बना के बस एक साथ थी और उस रात तो कोई भी लड़की सोई तक नहीं थी। अब इधर अगर बात करें तो सोनी क्या करती है, गाड़ी में बैठ जाती है, साथ ही उसके भैया, उसके मम्मी पापा गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन आधी रात में जो गाड़ी का सफर था ना, वो भी बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। पता नहीं यहाँ पर सोनी के भैया हम लोग को ये बता रहे थे कि गाड़ी जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ा रहे थे ना, वैसे वैसे उस गाड़ी का जो भार था ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो, जिसके कारण वो गाड़ी ना आगे बढ़ ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी। और साथ ही साथ जैसे ही ड्राइवर गियर चेंज करता था ना, वैसी ही गाड़ी रुक जाती थी। बीच सड़क में गाड़ी इतनी बार रुकी है ना कि पूछो मत। इधर से सोनी के मम्मी पापा भैया भगवान का नाम ले रहे हैं कि बस हम लोग जैसे तैसे करके घर पहुंच जाए। अभी तक सोनी ना बेहोशी हालत में थी। अब इधर वो लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई, रात में हम लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना है, चुपचाप से गाड़ी को साइड लगा देते हैं। लेकिन वो लोग गाड़ी से कोई भी नहीं उतरता और बस भगवान का नाम जप करते करते, इनफैक्ट गाड़ी में भी उन्होंने भगवान का ही गाना लगा दिया था और बस वेट कर रहे थे कि कब सूरज की किरणें हमें दिखाई दे और हम लोग अपने घर की ओर आगे बढ़े। अब जैसी सुबह होती है, हल्का उजाला निकलता है, वो लोग फौरन गाड़ी चलाते हैं और इस बार तो गाड़ी पूरी तरह से नॉर्मल चल रही थी और वो लोग इजीली और बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने घर भी पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा था ना मानो उस रात कोई तो है जो नहीं चाह रहा था कि सोनी उस हॉस्टल से दूर जाए, और कोई तो शक्ति थी जो चाह रही थी ना कि गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, और अगर गाड़ी आगे बढ़ भी रही थी तो हाईवे पर बीच में रुक जा रही थी ताकि उस गाड़ी का कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट हो जाए और सोनी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो जाए। खैर वो लोग घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी ना चीजें नहीं सुधरती है। वो लोग सोनी को झड़वाने फुकवाने तो ले जाते हैं और उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अगर आप लोग ये सोचोगे कि एक दिन में, दो दिन में या एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया था, तो नहीं, सोनी को ठीक होने में महीनों लगे थे। लेकिन इस बीच सोनी ने जो टॉर्चर सहे है ना, माय गॉड। अब यहाँ पर जब सारी बातें सामने आती है ना, तो सोनी के परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। मौलाना साहब ने ये बताया ना
कि सोनी के ऊपर बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी का साया था और वो कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं थी। मौलाना साहब ने शायद उस एनर्जी को टर्म दिया खबीस के नाम से। और आप लोगों को बताएं खबीस क्या होते हैं? वो लोगों का जो शरीर होता है ना, वो हाफ जला हुआ होता है और हाफ इंसान होता है। और मौलाना साहब ने ये भी बताया कि वो सोनी को काफी महीनों से दिखाई देना स्टार्ट हो गया था और आईने में जो सोनी अपने आप को हॉस्टल में निहारा करती थी ना, आईने की दूसरी ओर से खबीज उसे देखा करता था, उसकी खूबसूरती को निहारा करता था। और यहाँ सोनी ने यह भी बताया कि खबीज ना उसे आकर्षित करने के लिए जद्दोजहद लगाता था और उसे अपने पास बुलाता था और उससे गलत गलत काम करने के लिए प्रोवोक भी करता था। इतना ही नहीं, हॉस्टल में तो पता नहीं सोनी के साथ क्या हुआ, लेकिन जब सोनी घर आई, उसका इलाज चल रहा था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, तब भी सोनी को घर में कई बार ये एनर्जी दिखाई दिया। इनफैक्ट घर के अंदर सोनी के कमरे के बाहर, और वो सोनी को बुलाया करता था कि बाहर आओ बाहर आओ। माय गॉड, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, सोनी को सारी सच्चाई पता है, सोनी को पता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ, और वो बिचारी 15 साल की बच्ची बेड पर पड़ी हुई है और उसे बुलाया जा रहा है, वैसे ही हाफ ऐसा और हाफ वैसा, एंड बुला करके शायद वो गलत काम करना चाहता था या फिर से सोनी के ऊपर हावी होना चाहता था। और ये देखते ही सोनी कई बार जोर जोर से चिल्ला करके रोना भी शुरू कर देती थी, कई बार बेचारी डर जाती थी। और ये जो चीजें है ना, काफी लंबे टाइम तक चली थी। खैर, लंबे टाइम के बाद भी ना सोनी इन सारी चीजों से बाहर तो आ जाती है, लेकिन ये जो सारी चीजें थी ना उस पे बहुत ज्यादा गहरा असर छोड़ देती है, जिसके कारण सोनी ने अपना लालपुर वाला हॉस्टल भी छोड़ दिया था और वो घर में ही चुपचाप से रहा करती थी। और अगर आप इधर हॉस्टल की बात करोगे, ठीक है, लड़कियों ने ये तक बताया है कि सोनी के जाने के बाद सबको क्या लगा कि मे बी अब ये सारी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन नहीं, सोनी के जाने के बाद तो और भी ज्यादा वियर्ड वियर्ड एक्टिविटीज होने लगे। कुत्तों के रोने की आवाज तो हमेशा आती ही आती थी, इनफैक्ट अब तो ऐसा लगता था ना कि कोई उन लोगों को झांक रहा है, 24 घंटे उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। इनफैक्ट अगर लड़कियां नीचे बैठी रहती थी ना तो उनको लगता था ऊपर बालकनी से कोई झांक रहा है, अगर गेट के पास है लड़कियां तो उन्हें लगता था कोई ऊपर से उन्हें टकटकी लगा करके देख रहा है। हॉस्टल में लड़कियों के बीच में इतना खौफ मच गया था कि अब तो यहां तक हो गया था ना कि लड़कियां हॉस्टल के अंदर शॉर्ट्स पहन के नहीं रखती थी। यहां बड़ी बड़ी जो भी सीनियर लड़कियां थी छोटी लड़कियों को मना करती थी शॉर्ट्स पहनने के लिए कि देखो हॉस्टल का माहौल ठीक नहीं है, तुम लोग शॉर्ट्स मत पहनो, बाल खुले नहीं रखा करती थी लड़कियां। और इतना ही नहीं, जिस मौलाना ने सोनी का इलाज किया था उन्होंने ये भी बताया कि जो वो पेड़ था जिससे खुशबू नहीं आती थी, जिसका जिक्र हमने किया था, खबीज उसी पे रहता था, और वहां पर एक दो खबीज नहीं, काफी सारे खबीज रहा करते थे जो कि हॉस्टल की लड़कियों पर नजर डाला करते थे। सोनी पहली लड़की थी जिस पर ऐसा अटैक हुआ था, और सोनी के बाद लगातार 2-3 लड़कियों के ऊपर ये सब अटैक हुआ, और 2 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा हॉस्टल खाली हो गया, लड़कियां उस हॉस्टल का नाम भी नहीं लेना चाहती थी, और इसके बाद तो फिर तुरंत से कोविड ही आ गया था। और ये कहानी जब हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी तब हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस घटना से पहले वार्डन के बेटी की भी मौत हो गई थी, तो सारी लड़कियों को हॉस्टल में क्या लगता था कि पक्का उसका लड़का का जो आत्मा है ना वो हम लोगों को हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन मौलाना ने यहाँ पर दीदी ये कहा कि उस पेड़ में सैकड़ों खबीज रहते थे, तो उसके बेटे को भी ना खबीजों ने जकड़ कर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। भगवान जाने एग्जैक्ट रीजन क्या थी, लेकिन जो भी थी बहुत भयंकर थी, और ये कहानी 100% सही है क्योंकि किसी एक का कहना नहीं है, सैकड़ों लड़कियों ने इस चीज को विटनेस किया है। खैर, यही थी आज की कहानी, आप बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आप भी किसी हॉन्टेड हॉस्टल में रहे हो तो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो रानी क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करनी है यार, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी धुकुर धुकुर वाली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।